Hello viewers, our today's topic is Matplotlib. Matplotlib एक लाइब्रेरी है पाइथन की। हम डेटा साइंस के इस कोर्स में हमने पहले नंपाई को देखा, नंपाई को पढ़ा, पैंडास को पढ़ा हमने। पैंडास के अंदर डेटा फ्रेम, डेटा को किस तरह से जो है वो डेटा फ्रेम्स के अंदर आता है, इसके पैंडास के डेटा स्ट्रक्चर को देखा, फाइल लोडिंग, डेटा लोडिंग को देखा, स्टोरेज को देखा, फाइल फॉर्मेट्स को देखा, डेटा क्लीनिंग किस तरह से होती है, डेटा हैंडलिंग किस तरह से होती है, हमने इन सारी चीज़ों को देखा। हमने डेटा रैंगलिंग तो देखा, उसके बाद हायरार्किकल क्लस्टरिंग, हायरार्किकल इंडेक्सिंग को देखा हमने। अब मैथप्लॉटलिब जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो बेसिकली ग्राफ्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आया जो हमारे पास जो भी डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी डेटा पे काम कर रहे हैं उस डेटा का पिक्चोरियल व्यू या ग्राफिकल व्यू किस तरह से होगा। अब ग्राफ्स हमारे पास चार्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, शेप्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या जो है वो लाइंस की फॉर्म में हो सकते हैं या पॉइंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ग्राफ्स के लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स के अंदर ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है। ग्राफ एक्सिस के बिहाफ पे प्लॉट होता है। ग्राफ में हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ख्याल रखते हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास हमेशा यहाँ पर जो वैल्यूज फ्लोट कर रही होती हैं वो एक्स एक्सिस होती हैं, और इस तरह से जो वैल्यूज फ्लोट कर रही होती हैं वो वाई एक्सिस में होती हैं। अब हमारे पास हमने एक नंपाई के अंदर रैंडम नंबर्स का, 50 नंबर्स का एक डेटा के नाम से एक एरे बनाया, उसका ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया PLT.plot डेटा करके। जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया तो ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये कुछ रैंडम इस तरह से प्लॉट हुआ, क्योंकि ये नंबर रैंडम्स हैं, रैंडम है तो ये ग्राफ अब जब मैं रन करूंगा तो ये कुछ चेंज हो जाएगा। ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं नंपाई एरे जो है वो एक एरे लूँ और उसकी रेंज रखूं 0 से लेकर 9 तक, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, जो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मतलब किस तरह से 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2x2 का हुआ, फिर 4x4 पॉइंट पे आया, फिर 5th पॉइंट पे आया, फिर 6th पॉइंट पे आया, फिर 8th पॉइंट पे, इसी तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हमारे पास एक डॉटेड ग्राफ हमने ड्रॉ करके देखा। इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर के डैश डैश जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 50 जो है वो रैंडम नंबर्स हमने ले लिए। उस 50 के अंदर हमने उसको कम सम यानी कि हमने जो है वो उनको ऐड करवा लिया। अब जो रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट हुए थे उन रैंडम नंबर्स का हमने ग्राफ बना लिया। अगर मैं इसको भी रीलोड करो तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ इसका चेंज हो जाएगा, और ये ग्राफ चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये डैश डैश करके इस तरह से दिख रहा है। अब अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो कहाँ पर, अब हम वहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हम जो है वो पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला जो हमारे पास जनरेट हुआ, यहाँ पर हमारे पास टोटल 30 पॉइंट्स होंगे, 30 डेटा पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर जो प्लॉट हो रहा है ग्राफ, ये किस बेस पे हो रहा है, ये पॉइंट्स की बेस पे हो रहा है कि पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा एरे या जो भी हम वैल्यूज ले रहे थे वो यहाँ से स्टार्ट हुई और सेकंड पॉइंट ये बना। अब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में जो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, और उस पॉइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो इसकी वैल्यूज इस तरह से हमारे पास चेंज होती जाएंगी, और ये इसी तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। अब फिगर और सब प्लॉट्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ लेबल, एक चीज़ दिख रही है हमें यहाँ पर, जो पिक्चर में हमारे पास लेबल दिख रहा है वो बता रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1 की है। 1 हमारे पास क्या है, जो पहली दफ़ा हमने जो लाइन ड्रॉ की, वो पहली दफ़ा जो रैंडम 1000 जो है वो नंबर्स की या 1000 वैल्यूज की जो लाइन थी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हुई, जो कि हमने ग्रीन से यानी G डिनोट किया है तो ग्रीन से हमने इसको डिनोट कर दिया। R डैश डैश यानी डॉट डैश डैश करके ड्रॉ हुई भी है, और जो है वो इसके साथ हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं।
और इसकी ये सब प्लॉट हमने इस फिगर का सब प्लॉट बना दिया। अब इसी तरह से हमारे पास हमने इसको प्लॉट करके देख लिया। अब हमारे पास एक और फिगर है, इसको भी हमने प्लॉट किया हुआ है और इस फिगर के अंदर हमने इसके सब प्लॉट दिए हुए हैं 1 1 1, और इसके अंदर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं इसको। हमारे पास क्या है, रैंडम 1000 नंबर्स हैं और इसका ये एक ग्राफ है हमारे पास। इसी तरह जब हम पैंडास की बात कर रहे थे तो पैंडास में हमने डेटा फ्रेम बनाया था। उस डेटा फ्रेम के थ्रू हमने एक जो है वो डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर हमने उसको रैंडम नंबर्स यानी कि नंपाई एरे दिया, जिसके 10 जो है वो हमारे पास रॉज होंगी, यानी कि 10 रॉज हैं हमारे पास रैंडम, और हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स हमने उसको नाम दे दिए जब कॉलम्स को, तो ए बी सी डी दे दिए। हम नाम कुछ भी दे सकते थे, हमने या इसको कॉलम नंबर 1 कह सकते हैं, हम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉलम 1 कह सकता हूँ और यहाँ पर मैं कॉल 2 दे सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर कॉलन 3, कॉलन 4। अब उसमें हमने क्या किया, उसका इंडेक्स जो हमने दिया वो इंडेक्स के लिए हमने क्या कहा कि 0 से स्टार्ट हो और कहाँ ख़त्म हो जाए, 10th के जो है वो जंप से चले, यानी कि 10 स्टेप ले और 100 तक चले। तो हमने इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इसके इंडेक्स को। अगर हम चाहते तो सिंपल तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम जो है वो इसका स्टेप 1 ले लें और इसको 0 से लेकर 10 तक चलाएं, तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से बन जाएगा। 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हैं और हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। अगर हम इसको प्लॉट करके देख लें तो हमारे पास डिफरेंट कॉलम के रैंडम डेटा जो था वो हमारे पास प्लॉट हो चुका है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को अगर हम देखें, तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ को देखा जाए तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो 0.07 है। अगर ये सेकंड की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास कौन से कॉलम की वैल्यू है, ये कॉलम नंबर 2 के अंदर जो 4 वैल्यू है, कॉलम नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो कॉलम नंबर 1 के अंदर, कॉलम नंबर 1 के अंदर 4 वैल्यू 2 की जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू ये इस पॉइंट को लाई कर रही है। अगर हम इसको पॉइंट दे दें तो यहाँ पर पॉइंट भी आ सकता है। अब हमने क्या किया, एक जो है वो 2 वैल्यूज़ बना ली और उनको नॉर्मल कर लिया साइज़ को, और उनकी वैल्यूज़ को जब हमने देखा कॉनकैटिनेट करके, जो है वो 2 एरे नंपाई एरे बनाए हमने, और उन नंपाई एरेज़ को हमने देखा तो कुछ इस तरह से 2 वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट हो रही थी। इन 2 वैल्यूज़ को जब हमने प्लॉट करने की कोशिश की तो वो एक हिस्टोग्राम में ड्रॉ हो गई हमारे पास। ये था हमारे पास कि हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास हिस्टोग्राम प्लॉट होता है, किस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है। मैथ प्लॉट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैथ प्लॉट का आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप फर्दर डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैथ प्लॉट में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो गिवन डेटा है, या हमने जो डेटा सेट प्रोवाइड किया है, या हम जो भी फंक्शंस या जो भी इंजीनियरिंग या जो है वो हम मॉडल को डिप्लॉय करवा रहे हैं या ट्रेन करवा रहे हैं, तो आया वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्शन वैल्यूज़ को देख सकते हैं। हम जो है वो डेटा सेट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। अगर किसी डेटा सेट में हमारे पास मैन और वुमेन का डिफरेंट डेटा है, हम उन कॉलम्स को कंपेयर कर सकते हैं मैथ प्लॉट के जरिए से, पिक्चोरियल व्यू में देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से दिख रहा है या किस तरह से काम कर रहा है। ये था हमारे पास मैथ प्लॉट का एक तरह से शॉर्ट ट्यूटोरियल, कि हम देखेंगे कि हमारे पास मैथ प्लॉट किस तरह से काम कर रहा है। हमने डिफरेंट ग्राफ्स को ड्रॉ करके देखा, हमने सब प्लॉट को देखा, हमने इसके अंदर जो है वो पैंडास के थ्रू जो है वो डेटा फ्रेम को पिक्चोरियल व्यू में ड्रॉ करके देखा कि पिक्चोरियल व्यू में जब ये प्लॉट होता है तो वो किस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करता है हमारे पास मैथ प्लॉट। तो इससे हमें जो है वो इसको हमें डेटा साइंस के अंदर सीखने की ज़रूरत इसलिए
या इसके इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए, जब हम इनसाइट्स निकालते हैं बिग डेटा के अंदर से, तो हम उन इनसाइट के लिए, उन इनसाइट्स के लिए हम जो है वो कोई ना कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि भाई हमारी ये इनसाइट निकली है इस डेटा के अंदर से, हमने ये इनसाइट निकाली है, पहले डेटा हमारा कुछ इस तरह से था, हमने अब इस तरह से हमने इसकी एक इनसाइट निकाली है। अगर हम डिजीज की बात करें तो हम देखेंगे, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट किस तरह से था और अब डेटा सेट किस तरह से दिखता है हमारा, अगर हमने कोई मॉडल डिप्लॉय किया है तो प्रिडिक्शन किस तरह से दिख रही है, तो प्रिडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज का भी हम ग्राफ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।